नमस्कार, मैं सुधीर कटके कटके कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर चित्रापुर से आप सभी को मैं बेसिक कंप्यूटर के बारे में जानकारी देता हूँ। बेसिक कंप्यूटर के बारे में कनेक्शन देने का और वायरिंग करके हम कंप्यूटर यूज़ करने के बारे में बताना चाहता हूँ। हमने पिछले क्लास में बेसिक कंप्यूटर का थ्योरी क्लास के बारे में जानकारी दिए थे, अब प्रैक्टिकल क्लास में हम उसका पूरा कनेक्शन के बारे में जानकारी देंगे। हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कंप्यूटर, ये कंप्यूटर हम यूज़ करने के लिए, कंप्यूटर के मीनिंग बोले तो क्या बोलते, यूज़ करने के लिए हमारे पास चार पार्ट होना ज़रूरी है। उसमें पहला पार्ट है हमारा मॉनिटर और हमारा कीबोर्ड और हमारा माउस, उसके साथ ही हमारा मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर ब्रेन बोलते हैं हम, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेन कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। ये चार पार्ट हमारे पास रहेगा तो हम पूरा एक कंप्यूटर सिस्टम बनेगा, तब उसको हम कनेक्शन देने का बारे में कनेक्शन देंगे। चलो सीखेंगे। हमने अभी फिलहाल सीपीयू के बारे में, मॉनिटर के बारे में और कीबोर्ड माउस के बारे में जानकारी लिया। उससे पहले हम केबल, जो कनेक्शन कंप्यूटर को कनेक्ट होगा ना, उस केबल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बारे में सीखेंगे। हमारा इस केबल को VGA केबल बोलते हैं। इस केबल एक तरफ मॉनिटर को कनेक्ट होगा और एक तरफ सीपीयू को कनेक्ट होगा। VGA का फुल फॉर्म वीडियो ग्राफिक्स ऑडियो डाटा, ये हमारे सीपीयू से मॉनिटर को शेयर करता है। और उसी के साथ हमारे पास एक पावर केबल रहेगा। ये दो पावर केबल चाहिए हमारे को। ये पावर केबल सीपीयू से स्विच बोर्ड को कनेक्ट होगा और एक पावर केबल मॉनिटर से हमारे स्विच बोर्ड को कनेक्ट होगा। पावर केबल के कनेक्शन के बारे में अब बताने वाला हूँ। चलो दोस्तों अब सीखेंगे। चलो दोस्तों अब हम VGA केबल से कंप्यूटर का कनेक्शन देने का शुरुआत करेंगे। अब हम VGA केबल लेंगे। ये केबल को दोनों तरफ सेम पिन दिए सो रहता। हम इस पिन को फर्स्ट सीपीयू को कनेक्ट करेंगे, जो बैक साइड ब्लू कलर से हमारा उसका कलर रहता है। हम उसको कनेक्ट प्रेस करके उसके साथ हमारे जो दोनों थ्रेड रहते हैं ना, ये फिक्स कनेक्ट करना पड़ेगा। एक साइड हमने सीपीयू को अच्छे तरीके से फिट कर लिया और उसका दूसरा साइड हम मॉनिटर को फिट करेंगे, जो अच्छे से फिट करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमारा मॉनिटर में आपने लूज़ कनेक्शन देगा तो आपका मॉनिटर का लूज़ कनेक्शन देगा तो आपका मॉनिटर का कलर वेरिएशन बहुत होगा। इसको अच्छे तरीके से इसके थ्रेड फिट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारा पावर केबल है। हम इसको सीपीयू के ऊपर जो SMPS रहता है ना, उस पार्ट में अच्छे तरीके से फिट करेंगे और इसका दूसरा ओर हम स्विच बोर्ड में अच्छे तरीके से कनेक्ट कर देंगे। और एक हमारा पावर केबल हमारा मॉनिटर से आएगा, जो मॉनिटर के इस साइड रहेगा। हम इसको भी कंप्लीट तरीके से फिट करेंगे। फिट करके ये साइड भी हमारा दूसरा और हमारा स्विच बोर्ड को कनेक्शन जाएगा। उसी के साथ हमारा माउस USB माउस है हमारे पास फिलहाल, जो USB माउस है, हम इसको हमारे CPU के इस साइड जो USB स्लॉट रहेगा उसमें हम अच्छे तरीके से कनेक्शन देंगे। और उसी के साथ हमारा और एक पार्ट, जो कीबोर्ड बोल के कहते हैं हम, ये हमारा इनपुट डिवाइस भी रहता है। इस पार्ट को भी हम हमारे CPU को अच्छे तरीके से कनेक्शन देंगे। और एक हमारा वायर रहेगा जो कीबोर्ड का रहेगा। इस केबल को भी हम हमारे सिस्टम के USB स्लॉट में अच्छे तरीके से कनेक्शन देंगे। और एक बार हमारे ऑल सब्सक्राइबर एंड हमारे व्यूअर्स अच्छे से देखिए, एक हमारा पावर केबल हम CPU को अच्छे तरीके से कनेक्शन दे दिए, और एक हमारा VGA केबल भी अच्छे तरीके से हमने फिट किया है, और हमारा कीबोर्ड और माउस का जो USB स्लॉट में है वो दोनों भी अच्छे तरीके से हम फिट कर चुके। चलो लेट्स स्टार्ट, हम कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे।
दोस्तों अब हम हमारा कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे। हम हमारे स्विच बोर्ड के दो बटन पहले ऑन कर लेना चाहिए, उसके बाद हमारा मॉनिटर ऑन हो चुका है ऑलरेडी। हम हमारा सीपीयू का स्टार्ट बटन प्रेस करना चाहिए। प्रेस करते ही हमारा सीपीयू भी ऑन हो गया, हमारे माउस पे भी लाइट आ गया। नेक्स्ट उसी के साथ हमारा कीबोर्ड और हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है। आप हमारे वीडियो में स्टार्ट होने तक बने रहिए। चलो उसी के साथ ये कमांड मांग रहा है, या फोन दबाएंगे हम। हमारा कंप्यूटर लेट स्टार्ट स्टार्टिंग विंडोज में प्रोसेस में है, कुछ ही देर में हमारा कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। चलो फ्रेंड्स हमारा तो कंप्यूटर स्टार्ट हो चुका है। चलो देखिए आप सभी ने आज हमारे YouTube चैनल से कंप्यूटर स्टार्ट करने का प्रैक्टिकल पूरा इन्फॉर्मेशन ले लिया है। इसी तरह प्रैक्टिकल वीडियो के लिए, प्रैक्टिकल और थ्योरी कंप्यूटर के रिलेटेड नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो इस वीडियो को लाइक करके बेल आइकन दबाइए। थैंक यू माय ऑल वीडियो व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स।